और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स सेक्शन में वेव मोशन की। तो आइए बिना अपने समय को गमाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जब हम लोग वेव मोशन की बात करते हैं यानी कि तरंग के गति की बात करते हैं, तो उससे भी पहले हम लोगों को ये डिस्कस करना होता है कि वेव क्या होता है यानी कि तरंग क्या होता है। वेव क्या होता है यानी कि तरंग क्या होता है। मेरे मित्र, तरंग क्या होता है इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं प्रकाश की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी प्रकाश जो है ये भी एक प्रकार का तरंग है। क्या है? एक प्रकार का तरंग है। और अगर हम लोग बात करते हैं ध्वनि की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ध्वनि भी जो है वो भी एक प्रकार का तरंग ही है। और मेरे मित्र, आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी प्रकाश हो या फिर ध्वनि हो, ये दोनों क्या हैं? तो आप कहते हैं ऊर्जा का रूप है। क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। आप एक तरफ क्या कह रहे हो कि प्रकाश और ध्वनि दोनों ही ऊर्जा का रूप है, और दूसरे तरफ आप कह रहे हो कि ये दोनों ही क्या है? तरंग है। बेशक ये दोनों अलग अलग प्रकार के तरंग हैं, लेकिन है क्या? तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये तो तरंग ही है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी प्रकाश जब संचरित होती है, एक जगह से दूसरे जगह जाती है, उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है? आप कहते हैं कि गुरुजी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। प्रकाश जो है वो निर्वात में भी आसानी से गमन कर सकती है, यानी कि प्रकाश के गमन करने के लिए आपको कोई भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब बात करते हैं ध्वनि की, तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी ध्वनि जो है वो बिना माध्यम के एक जगह से दूसरे जगह जा ही नहीं सकती। मतलब ये हुआ कि ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है? माध्यम की ज़रूरत होती है। तो भाई मेरे, आप सभी जो ये कहते हो कि गुरुजी प्रकाश का भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन होता है, और साथ ही साथ ध्वनि का भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है? गमन होता है। भले ही ये अलग बात है कि एक को माध्यम चाहिए होता है और दूसरे को माध्यम नहीं चाहिए होता है, लेकिन गमन तो दोनों का होता है। तो सवाल ये है कि जो प्रकाश और ध्वनि दोनों ही ऊर्जा का रूप है, ये जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ये किसके थ्रू जाता है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी प्रकाश और ध्वनि जो कि ऊर्जा का रूप है, और ये एक जगह से दूसरे जगह जो जा रहा है, ये तरंग के रूप में जा रहा है। किस रूप में जा रहा है? तरंग के रूप में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग तरंग की बात करते हैं, ये तरंग क्या होता है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी तरंग जो है वो ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला होता है। क्या होता है? ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला होता है। तो आप सभी सरल शब्दों में तरंग के लिए क्या परिभाषा लिख सकते हैं? आप सभी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले को क्या कहा जाता है? तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरंग कहा जाता है। या फिर आप और सरल शब्दों में कह सकते हैं कि ऊर्जा जिसके द्वारा या जिसके सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, वही क्या कहलाता है? तरंग कहलाता है। ना हो तो आप इस चीज़ को भी मेंशन कर लेंगे कि ऊर्जा जिसके सहारे एक जगह से दूसरे जगह जाती है, उसे ही तरंग कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? तरंग कहा जाता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो ऊर्जा है ये कौन सा ऊर्जा है, तो आप खट से जवाब देंगे कि जो प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा है वो क्या है? हम लोग कहते हैं कि ये एक प्रकार का तरंग है। तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा दोनों ही क्या करते हैं? तो एक जगह से दूसरे जगह गमन करते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा जिसके सहारे एक जगह से दूसरे जगह गमन करते हैं, वही क्या है? तो आप कहेंगे तरंग है, यानी कि वेव है। और इसी को हम लोग एज अ डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले को तरंग कहा जाता है, या फिर ऊर्जा जिसके सहारे एक जगह से दूसरे जगह जाती है उसे ही क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। कौन सी ऊर्जा? आप कहेंगे प्रकाश ऊर्जा या फिर ध्वनि ऊर्जा। आप कहेंगे गुरुजी तरंग तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ ये तरंग कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका तरंग है ये दो प्रकार के होते हैं। कोई भी आपसे पूछे कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे कि तरंग के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एक होता है आपका यांत्रिक तरंग, एक आपका कौन सा होता है? यांत्रिक तरंग।
जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में मैकेनिकल वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव कहते हैं। और दूसरा आपका कौन सा होता है? तो दूसरा होता है आपका अयांत्रिक तरंग। दूसरा कौन सा होता है? अयांत्रिक तरंग, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग इंग्लिश में नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। कोई भी आपसे पूछे ये बताओ कि तरंग के कितने प्रकार होते हैं, आप कहेंगे दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? यांत्रिक तरंग और दूसरा आपका अयांत्रिक तरंग। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैकेनिकल वेव। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉन मैकेनिकल वेव। आप कहेंगे कि गुरुजी व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव में डिफरेंसेस क्या होता है, अंतर क्या होता है, हम लोग कैसे समझेंगे? भाई मेरे बड़े ही सरल शब्दों में समझ सकते हो। जहाँ पे भी आपको यांत्रिक तरंग लिखा हुआ मालूम चले या जहाँ पे भी यांत्रिक तरंग लिखा हुआ रहे, तो आप समझ जाएंगे कि यांत्रिक तरंग को गमन करने के लिए यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसकी जरूरत होगी? माध्यम की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? माध्यम की जरूरत होगी। तो आप सभी क्या कह सकते हैं? आप सभी कह सकते हैं कि वैसा तरंग जिसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की जरूरत हो क्या कहलाएगा? आप कहेंगे यांत्रिक तरंग कहलाएगा, यानी कि मैकेनिकल वेव कहलाएगा। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अगर आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये माध्यम क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि माध्यम आपके पास तीन हैं। मैंने आपको YouTube वाले सेशन में बताया है रिसेंटली ही। कौन कौन सा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी सॉलिड, दूसरा है आपका लिक्विड और तीसरा है आपका गैस। तो कोई भी चीज़ अगर आपका ठोस अवस्था में है तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी वो सॉलिड मीडियम है, और अगर कोई चीज़ द्रव अवस्था में है तो गुरुजी वो लिक्विड मीडियम है, और कोई चीज़ आपका गैसीय अवस्था में है तो आप कहते हैं कि गुरुजी वो गैसियस मीडियम है। तो जब भी बात की जाएगी माध्यम की, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में ठोस, द्रव, गैस आना चाहिए। और क्या कहेंगे कि यांत्रिक तरंग वैसा तरंग होगा जिसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसकी जरूरत होगी? आप कहेंगे माध्यम की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? माध्यम की जरूरत होगी। और जब हम लोग बात करेंगे अयांत्रिक तरंग की यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव की, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये वैसा तरंग होगा जिसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होगी, यानी कि इसको गमन करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होगी, मीडियम के सहारे की जरूरत नहीं होगी। तो बड़ा ही छोटे शब्दों में आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसको गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। बस आप इतना सा पॉइंट ध्यान में रखेंगे, आपका काम बन जाएगा कि यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग क्या होती है। कहेंगे कि यांत्रिक तरंग वो तरंग होगा जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमेशा किसकी जरूरत होगी? तो किसी न किसी सहारे की जरूरत होगी, और वही सहारा इसका क्या कहलाएगा? माध्यम कहलाएगा। और ये बेचारा अयांत्रिक तरंग जो होगा ये क्या होगा? आप कहेंगे माध्यम से फ्री होगा। इसको माध्यम मिले न मिले, माध्यम का सहारा मिले ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये क्या करेगा? तो सर गमन करेगा बिना माध्यम के भी, यानी कि निर्वात में भी ये गमन कर सकता है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये दोनों चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया, लेकिन ये बताओ कि ये जो यांत्रिक तरंग है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे मित्र यांत्रिक तरंग भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये दोनों तरंग क्या होते हैं, तो आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं यांत्रिक तरंग के प्रकार की, लेकिन उससे भी पहले हम लोग यांत्रिक तरंग से संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं जो आप सबों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान में रखिएगा, अभी हम लोगों ने जस्ट क्या डिस्कस करा कि गुरुजी यांत्रिक तरंग को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हमेशा किसकी जरूरत होती है? माध्यम की जरूरत होती है। या फिर हम लोग कहते भी हैं कि वैसा तरंग जिसको प्रोपेगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग यांत्रिक तरंग कहते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यांत्रिक तरंग जो आपका किसी माध्यम से होकर के प्रोपेगेट करेगा यानी कि गमन करेगा, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा, ये हमेशा अनिवार्य होगा कि जिस माध्यम के सहारे यांत्रिक तरंगे एक जगह से दूसरे जगह गमन करेगा उस माध्यम में प्रत्यास्था और जड़त्व की प्रॉपर्टीज अवेलेबल हो।
और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए निम्नलिखित में से माध्यम में क्या होना अनिवार्य है, तो आप सभी कहेंगे कि यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम में प्रत्यास्था और जड़त्व के गुण का होना अनिवार्य है। परेशान नहीं होना चाहिए, मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट करके लिख दिया है। क्या लिखा है कि यांत्रिक तरंगों के गमन करने के लिए ये जरूरी है कि माध्यम में प्रत्यास्था व जड़त्व का गुण क्या हो, मौजूद हो। तो आप सभी इस चीज़ को अपने माइंड में हमेशा रखिएगा। बहरहाल आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने अब जस्ट बताया है कि जो यांत्रिक तरंगे हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग। ध्यान में रखेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, और अनुदैर्ध्य तरंग को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में पढ़ते रहते हैं वो एक्चुअली में क्या है, तो आप कहेंगे यांत्रिक तरंग के प्रकार हैं। क्या है, यांत्रिक तरंग के प्रकार हैं। और ध्यान देंगे कि जब हम लोग बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंग की तो हम लोग क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत हो। क्या कहते हैं कि जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत हो तो उसे ही क्या बोला जाएगा, आप कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग बोला जाएगा। और ध्यान में रखेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग जो आपका प्रोपेगेट करेगा वो किस रूप में जाएगा, तो सर इसी रूप में जाएगा। किस रूप में जाएगा, इसी रूप में जाएगा। और आप क्या देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो तरंग प्रोपेगेट कर रहा है यानी कि गमन कर रहा है, ये जो डायग्राम है ये क्या बता रहा है कि जो तरंग गति की दिशा है वो माध्यम के कणों के क्या है सर, तो कंपन करने की दिशा की लंबवत है। माध्यम के कणों के कंपन करने की गति की दिशा के क्या है सर, लंबवत है। और इस प्रकार से जो भी तरंग क्या होगा गमन करेगा उसी को क्या बोला जाएगा, आप कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग बोला जाएगा। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो अनुप्रस्थ तरंग आपका गमन कर रहा है तो आप क्या देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि गुरु जी यहाँ पे ऊपर में भी कुछ उठा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ नीचे भी कुछ क्या है सर, तो उभरा हुआ लग रहा है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोला जाता है, इसको शीर्ष बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेस्ट बोलते हैं। और ये जो आप नीचे वाला पोर्शन देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ट्रफ कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपका अनुप्रस्थ तरंग एक जगह से दूसरे जगह जाएगा ये कुछ इसी तरह से जाएगा। मतलब ये हुआ कि जब भी अनुप्रस्थ तरंग एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो वो शीर्ष और गर्त के रूप में जाएगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का संचरण शीर्ष और गर्त के रूप में होता है, तो आप क्या कहेंगे कि अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण जो है वो शीर्ष और गर्त के रूप में होता है। तो आप सभी न हो तो इस पॉइंट को मेंशन कर लेंगे सर, यहाँ पे आप नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे और पॉइंट वन करके आप लिख लेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग शीर्ष और गर्त के रूप में गमन करती है। अनुप्रस्थ तरंग शीर्ष और गर्त के रूप में, शीर्ष और गर्त के रूप में गमन करती है, शीर्ष और गर्त के रूप में क्या करती है, तो सर गमन करती है यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाती है। और मेरे मित्र एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो अनुप्रस्थ तरंग है, जो आपका अनुप्रस्थ तरंग है ये सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यमों में और द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न किया जा सकता है। अनुप्रस्थ तरंग जो है आपका वो द्रव के भीतरी सतह और गैसीय माध्यम में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। और ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, न हो तो आप इस चीज़ को भी मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे मैं एरो डाल करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या कि अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस माध्यम एवं द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न किया जा सकता है। आप इस चीज़ का गांठ बांध लेंगे जब आप यहाँ पे ये कह रहे हैं मेरे मित्र कि जो अनुप्रस्थ तरंग है ये सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम और द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न किया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है कि जो अनुप्रस्थ तरंग है वो गैसीय माध्यम और द्रव के भीतरी सतह में उत्पन्न नहीं होगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे द्रव के भीतरी सतह में उत्पन्न नहीं हो सकती है, आप कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगे द्रव के भीतरी सतह में उत्पन्न नहीं हो सकती है।
और साथ ही अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें गैसों में उत्पन्न नहीं की जा सकती है, तो आप कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग जो है ये गैस में उत्पन्न नहीं की जा सकती है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि अनुप्रस्थ तरंग क्या है, तो आप कहेंगे कि जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, उसको हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और अनुप्रस्थ तरंग जब भी प्रोपेगेट करेगा तो कुछ इस तरह से प्रोपेगेट करेगा। तो जो अनुप्रस्थ तरंग के प्रोपेगेशन का ऊपर वाला भाग होगा वो शीर्ष कहलाएगा और नीचे वाला भाग गर्त कहलाएगा। और आप क्या कहेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग शीर्ष और गर्त के रूप में क्या करता है, गमन करता है। और साथ ही क्या कहेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस माध्यम एवं द्रव्य के ऊपरी सतह पर उत्पन्न किया जा सकता है, ये द्रव्य के भीतरी सतह और गैसों में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। आप कहेंगे कि गुरुजी अनुप्रस्थ तरंग तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि ये अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अनुदैर्ध्य तरंग को, ध्यान में रखेंगे इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। और आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर हो, तो इस प्रकार का जो तरंग है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे। आपसे जब भी कोई ये पूछे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर होती है, तब उस प्रकार का जो तरंग होता है वो क्या कहलाता है, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है। और जिसमें माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होगा उसको आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग बोलेंगे। ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, तो गुरुजी अनुदैर्ध्य तरंग जब किसी माध्यम से होकर के जाती है तो माध्यम के कण जो कंपन कर रहे होते हैं उसकी दिशा में क्या होती है, तो अनुदैर्ध्य तरंगों का जो गति होता है वो समांतर होता है। मतलब क्या, ये आपका कुछ इस तरह से चलता है, ये क्या होता है आपका कुछ इस तरह से चलता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा का समांतर। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका अनुदैर्ध्य तरंग है, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो ये माध्यम के कणों के कंपन करने की गति की दिशा के समांतर हो रहा है, इसमें आपको कहीं कहीं पे सघन क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है और कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा, मतलब आप कह सकते हो कि ज़्यादा स्पेस दिखाई पड़ रहा है। एक जगह पर आपको लग रहा है कि कण जो है वो बहुत ज़्यादा सघन है, और कुछ जगह पर आपको लग रहा है कि कण जो है सर वो एक दूसरे से दूर दूर है। तो ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि कण बहुत ज़्यादा सघन है, ये जो सघन वाला एरिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग संपीडन कहते हैं। क्या कहते हैं, संपीडन, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, तो सर जो कण है वो सघन दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये कंप्रेशन वाला एरिया है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कुछ और इस तरह से कर दें, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे तो हमको थोड़ा खाली खाली दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको सघन दिख रहा है, तो ये होगा हमारा संपीडन। जहाँ पे भी हमको सघन दिखाई पड़ेगा यानी कि घना क्षेत्र दिखाई पड़ेगा वो तो संपीडन हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे खाली क्षेत्र दिखाई पड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे इसको हम लोग विरलन कहते हैं। क्या कहते हैं, विरलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेयर फैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेयर फैक्शन। यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी जब ये हमारा संपीडन होगा तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा विरलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो रेयर फैक्शन कहते हैं। आपने अभी जस्ट क्या देखा कि अनुप्रस्थ तरंगें शीर्ष और गर्त के रूप में गमन करती है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग जब गमन करती है तो संपीडन और विरलन वाला क्षेत्र बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग जो है वो संपीडन और विरलन के रूप में गमन करती है। न हो तो आप इस चीज़ को नोट करके लिख लेंगे। क्या, पहला पॉइंट में कि अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव संपीडन और विरलन के रूप में गमन करती है। संपीडन और विरलन के रूप में गमन करती है। और साथ ही आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि अनुप्रस्थ तरंग जो है वो केवल ठोस माध्यम में और द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न किया जा सकता है। अनुप्रस्थ तरंग द्रव के भीतरी सतह और गैसों में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि जो अनुदैर्ध्य तरंग होगा ये कहाँ पर उत्पन्न किया जा सकता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे नोट टू करके लिख लेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंग सभी माध्यम में
उत्पन्न की जा सकती है, उत्पन्न की जा सकती है एवं एवं सभी माध्यम में गमन भी करती है, एवं सभी माध्यम में गमन भी करती है, गमन भी करती है। तो कोई भी आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा तरंग है जो प्रत्येक मीडियम में जा सकती है या प्रत्येक मीडियम में उत्पन्न की जा सकती है, आप कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंग। क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य तरंग। और साथ ही जो आपका अनुदैर्ध्य तरंग एक जगह से दूसरी जगह जाएगा वो किस रूप में जाएगा? आप कहेंगे संपीडन और विरलन के रूप में जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो आप सघन वाला एरिया देख रहे हैं जिसको आपने संपीडन बोला, तो ये संपीडन क्यों होता है? आप सभी याद रखेंगे कि यहाँ पे माध्यम का दाब और घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसीलिए इस एरिया को क्या बोला जाता है? कंप्रेशन यानी कि संपीडन। और जहाँ पे माध्यम का दाब और घनत्व कम होता है उसको क्या बोला जाता है? तो सर विरलन बोला जाता है। तो मेरे मित्र ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि अनुदैर्ध्य तरंगों के गमन में उच्च दाब और उच्च घनत्व वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंग के गमन में उच्च दाब और उच्च घनत्व वाला जो क्षेत्र है वो संपीडन कहलाता है। और साथ ही अनुदैर्ध्य तरंग के गमन में जो निम्न दाब और निम्न घनत्व वाला क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? आप कहेंगे विरलन कहलाएगा। तो न हो तो यहाँ पर आप संपीडन के जस्ट नीचे एरो डाल करके लिख लेंगे कि ये उच्च घनत्व एवं उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। और साथ ही विरलन के बारे में क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो दाब होगा और घनत्व होगा वो दोनों ही क्या होंगे? कम होंगे। तो आप सभी कह सकते हैं कि विरलन जो है यानी कि ये निम्न घनत्व एवं निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है। तो आप सभी इस चीज़ को भी अपने माइंड में हमेशा रखेंगे कि जब अनुदैर्ध्य तरंगें गमन करेगी तो जो संपीडन और विरलन का क्षेत्र बनता है, तो संपीडन कौन सा एरिया होता है? तो उच्च घनत्व और उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। जबकि विरलन कौन सा होता है? तो आप कहेंगे ये निम्न घनत्व और निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी इसको तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण हम लोग किसको दे सकते हैं? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों के जुबान पे क्या आ जाता है कि गुरुजी प्रकाश जो है वो एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। और साथ ही द्रवों के ऊपरी सतह पर जो तरंग उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और अगर बात की जाएगी अनुदैर्ध्य तरंग की तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो साउंड है जिसको हम लोग ध्वनि कहते हैं और साथ ही जो वायु में उत्पन्न तरंग होती है या फिर स्प्रिंग के द्वारा उत्पन्न तरंग होती है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण कहलाते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, आप कहेंगे जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर होती है तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है, जो कि संपीडन और विरलन के रूप में गमन करता है यानी कि माध्यम में संचरण करता है। और साथ ही अनुदैर्ध्य तरंग जो है वो सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है और सभी माध्यम में गमन भी करती है। और साथ ही साथ अनुदैर्ध्य तरंग के गमन में जो उच्च घनत्व और उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है उस एरिया को संपीडन कहते हैं, और जो आपका निम्न घनत्व और निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है उसको ही क्या बोला जाता है? आप कहेंगे विरलन बोला जाता है, यानी कि रेयर फैक्शन बोला जाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो बहुत ही बेसिक सा चीज था और हम सबों को कहीं ना कहीं ये चीज मालूम भी था, लेकिन यहाँ पे रिवाइज हो गया। लेकिन ये बताओ कि अयांत्रिक तरंग क्या होती है, अयांत्रिक तरंग का नेचर क्या होता है, और अयांत्रिक तरंग कौन कौन से होते हैं और उसकी क्या उपयोगिता होती है। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं नॉन मैकेनिकल वेव को। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अयांत्रिक तरंग को। ध्यान में रखेंगे अयांत्रिक तरंग को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, और इंग्लिश में हम लोग इसी को नॉन मैकेनिकल वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और आप सभी ने अभी जस्ट डिस्कस करा है इसी सेशन में शुरुआत में ही कि जो यांत्रिक तरंगें होती है उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो माध्यम की ज़रूरत होती है। जबकि अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है।
तो सरल शब्दों में आप कह सकते हैं अयांत्रिक तरंग के बारे में कि वैसा तरंग जिसको गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है उसे ही क्या कहा जाता है, अयांत्रिक तरंग यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम सभी जो कहते हैं कि गुरुजी प्रकाश है वो क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो क्या इसको गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है? आप कहते हैं बिल्कुल नहीं गुरुजी, ये तो निर्वात में भी संचरण कर जाता है। तो आप सभी क्या कह सकते हैं कि प्रकाश तरंग है और यांत्रिक तरंग है। उसी तरह जो रेडियो तरंग होती है इसको भी प्रोपेगेट करने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, तो ये भी क्या है, आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसी तरह से जो आपका एक्सरे होता है ये भी क्या है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको भी प्रोपेगेट करने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, मीडियम की जरूरत नहीं होती। यानी कि वैसा कोई भी तरंग जिसको एक जगह से दूसरे जगह गजाने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है वो क्या कहलाएगा, और यांत्रिक तरंग, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, एक्सरे, ये सब के सब क्या है, आप कहेंगे नॉन मैकेनिकल वेव है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मेरे मित्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से संबंधित 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी अपने माइंड में रखिएगा। पहला चीज क्या कि विद्युत चुंबकीय तरंगें हमेशा अनुप्रस्थ होती है, और इसीलिए आप सभी क्या कहते हैं कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रकाश निम्नलिखित में से किस प्रकार का तरंग है, तो आप कहेंगे विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। या फिर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति हमेशा होती है अनुप्रस्थ, अनुधैर्ज, अनुप्रस्थ एवं अनुधैर्ज दोनों, नन ऑफ दीज, तो आप क्या कहेंगे कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है इसकी प्रकृति हमेशा अनुप्रस्थ होती है यानी कि ट्रांसवर्स होती है। और साथ ही दूसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखेंगे कि ये निर्वात में भी गमन कर सकती है, चूंकि अभी जस्ट आपने देखा इसको गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत तो होती नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, तो गुरुजी निर्वात से भी गमन कर सकता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि इन तरंगों की चाल जो होती है वो प्रकाश के चाल के बराबर होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अयांत्रिक तरंग की चाल निम्नलिखित में से किसके चाल के बराबर होती है, तो आप कहेंगे प्रकाश के चाल के बराबर होती है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे चौथा पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि इन तरंगों के तरंग दैर्ज, ध्यान में रखेंगे तरंग दैर्ज को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं इंग्लिश में, परेशान नहीं होंगे अभी जस्ट हम लोग इसी क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो जो आपका अयांत्रिक तरंग होता है इसका तरंग दैर्ज यानी कि वेवलेंथ का जो रेंज होता है, परिसर होता है, वो कितना होता है, तो आप याद रखेंगे 10^-14 मीटर से 10^4 मीटर तक होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अयांत्रिक तरंगों का जो परिसर होता है तरंग दैर्ज का वो कितना होता है, आप कहेंगे 10^-14 मीटर से 10^4 मीटर तक होता है। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी हमारे एग्जाम में तो कुछ अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगों के यूज से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो कौन कौन से होते हैं, आइए मेरे मित्र अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट विद्युत चुंबकीय तरंग के यूज की और साथ ही साथ उसके खोजकर्ता की, ताकि आपको आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्वेश्चन आपसे छूटे ना। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगों के खोजकर्ता की और साथ ही उसके उपयोग की। ध्यान में रखेंगे कि पहला आपका क्या है, तो पहला है आपका गामा किरणें। क्या है आपका, गामा किरणें। इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान में रखना है कि गामा किरणें की यानी कि जो गामा रे होते हैं इसकी भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि भेदन क्षमता अत्यधिक होती है। भेदन क्षमता क्या होती है, आप कहेंगे अत्यधिक होती है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि गामा किरणें की खोज किसने करा, तो आप कहेंगे बैकुरल नामक वैज्ञानिक ने करा। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो आप सभी याद रखेंगे कि नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि गामा किरणें की खोज किसने करा, आप कहेंगे बैकुरल ने। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो नाभिकीय अभिक्रिया और कृत्रिम रेडियो सक्रियता में, यानी कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में। और साथ ही अगर आपसे क्वेश्चन ये करा जाए कि निम्नलिखित में से किस किरणें की भेदन क्षमता अत्यधिक होती है, पेंट्रेशन पावर अत्यधिक होती है, तो आप कहेंगे जो गामा किरणें होती है इसकी भेदन क्षमता अत्यधिक होती है। और साथ ही आपका दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है आपका एक्सरे, और इसके खोजकर्ता कौन है, रोंजन। और ध्यान में रखेंगे इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो सर हम लोग जो एक्सरे वगैरह करवाते हैं वही एक्सरे की यहाँ पे बात की जा रही है। और आप कह सकते हैं कि गुरुजी एक्सरे का उपयोग चिकित्सा जगत में और साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। और नेक्स्ट है आपका परावैगनी किरण, ध्यान में रखिएगा इसी को हम लोग शॉर्ट में यूवी रे कहते हैं। क्या कहते हैं, यूवी रे। चला यूवी रे को हम लोग फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं।
क्या कहते हैं? अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि अल्ट्रावायलेट रे की खोज किसने करा? रीटर नामक वैज्ञानिक ने करा। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो सिकाई करने में किया जाता है और साथ ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उत्पन्न करने में, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में और साथ ही बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी परावैगनी किरण का उपयोग किया जाता है। और साथ ही नेक्स्ट आपका क्या है? तो नेक्स्ट है आपका दृश्य विकिरण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विजिबल रे कहते हैं, जिसकी खोज किसने करा? न्यूटन ने करा। और ध्यान में रखेंगे कि हम लोग जो किसी भी वस्तु को देख पाते हैं वो कैसे देख पाते हैं? तो गुरुजी दृश्य प्रकाश में देख पाते हैं। और इसकी खोज किसके द्वारा करा गया? आप कहेंगे न्यूटन के द्वारा किया गया। और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि इससे हमें वस्तु दिखलाई पड़ती है। और नेक्स्ट है आपका पांचवा अवरक्त विकिरण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग इंफ्रारेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफ्रारेड रे कहते हैं। और इसकी खोज करता तो आप कहेंगे हर्सल नामक वैज्ञानिक ने अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड की खोज की। और साथ ही इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो कुहासे में फोटोग्राफी करने में, और साथ ही साथ जो आप रिमोट से टीवी चलाते हो सर, टीवी को कंट्रोल करते हो, तो जैसे ही रिमोट का बटन दाबते हो तो आप देखते हो कि रिमोट से आपका एक लाल कलर का रे निकलता है या एक लाल कलर का बल्ब जलता है। एक्चुअली वो क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है? तो गुरुजी वो अवरक्त विकिरण यानी कि इंफ्रारेड रे प्रोड्यूस कर रहा होता है। और इसके थ्रू ही क्या होता है? तो सर जो टीवी है वो कंट्रोल होता है। तो आप कह सकते हैं कि अवरक्त विकिरण जो है वो हर्सल नामक वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया, जिसका उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं? तो कुहासे में या कोहरा में फोटोग्राफी करने में, और साथ ही साथ टीवी के रिमोट कंट्रोल में किसका उपयोग किया जाता है? इंफ्रारेड रे की उपयोग की जाती है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया, लेकिन एक लघु तरंग और दीर्घ तरंग तो छूट रहा है सर। आइए उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं लघु तरंग को और दीर्घ तरंग को। ध्यान में रखेंगे कि जो आपका लघु तरंग है, एक्चुअली में ये क्या है? लघु रेडियो तरंग है। और साथ ही साथ जो आपका दीर्घ तरंग है वो क्या है? तो एक्चुअली में दीर्घ रेडियो तरंग है। ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका लघु तरंग है ये आपका क्या है? छठा विद्युत चुंबकीय तरंग है हम लोगों के क्रम के अनुसार। और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट रेडियो वेव कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे इसके खोजकर्ता कौन थे? तो हेनरिक हर्ज नामक वैज्ञानिक थे। और साथ ही आप ये भी ध्यान में रखेंगे इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो रेडियो, टेलीविज़न और टेलीफोन में किया जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जिसको हम लोग लघु तरंग पढ़ते हैं वो एक्चुअली में शॉर्ट रेडियो वेव होता है, यानी कि लघु रेडियो तरंग होता है, जिसके खोजकर्ता कौन थे? हेनरिक हर्ज थे। और इसी का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो रेडियो, टेलीविज़न और टेलीफोन में किया जाता है। मेरे मित्र, आपके इस पॉइंट से आपके ग्रुप डी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भविष्य में रेडियो, टेलीविज़न, टेलीग्राफ और टेलीफोन की खोज की नींव रखी थी? तो आप कहेंगे हेनरिक हर्ज नामक वैज्ञानिक ने भविष्य में रेडियो, टेलीविज़न, टेलीग्राफ की खोज की नींव रखी थी। क्यों? क्योंकि रेडियो, टेलीविज़न, टेलीग्राफ इन सभी में लघु रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है और उसके खोजकर्ता कौन थे? हेनरिक हर्ज। आप कहेंगे कि गुरुजी नेक्स्ट तो है हमारा दीर्घ रेडियो तरंग, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेरे मित्र, इसको हम लोग इंग्लिश में लॉन्ग रेडियो वेव कहेंगे। क्या कहेंगे? लॉन्ग रेडियो वेव कहेंगे। और ध्यान में रखेंगे कि लॉन्ग रेडियो वेव के खोजकर्ता कौन थे? तो आप कहेंगे मार्कोनी। और इसका भी उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो सर इस प्रकार की तरंग का उपयोग भी रेडियो और टेलीविज़न में ही होता है। तो ध्यान में रखिएगा बस छोटा सा पॉइंट कि शॉर्ट रेडियो वेव की खोज हेनरिक हर्ज नामक वैज्ञानिक ने करा, जबकि लॉन्ग रेडियो वेव की खोज मार्कोनी ने करा। भविष्य में टेलीविज़न, रेडियो, टेलीग्राफ इन सबों की खोज की नींव किसने रखी? तो आप कहेंगे हेनरिक हर्ज नामक वैज्ञानिक ने रखी। क्यों रखी? क्योंकि रेडियो हो या फिर टेलीग्राफ हो या फिर टेलीविज़न हो, इन सभी में किसका उपयोग किया जाता है? तो शॉर्ट रेडियो वेव का, जिसकी खोजकर्ता कौन थे? हेनरिक हर्ज। इसीलिए क्या बोला जाता है कि हेनरिक हर्ज ने भविष्य में रेडियो, टेलीविज़न और टेलीग्राफ की खोज की नींव रखी। आप कहेंगे कि गुरुजी तरंग का जो भी बेसिक था उसको तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि ये तरंग गति क्या है, वेव मोशन क्या है, और साथ ही साथ आवृत्ति क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, और साथ ही साथ जो तरंग का वेग होता है उसका आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य के साथ संबंध क्या होता है? मेरे मित्र, आइए इन सभी चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ चीज़ों को नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेव मोशन की, यानी कि तरंग गति की। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग तरंग गति की बात करते हैं हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब किसी पानी में पत्थर को मारा जाता है तो जिस जगह पे हम लोग पत्थर मारते हैं वहाँ पे पानी में हलचल उत्पन्न हो जाता है।
और मेरे मित्र पानी में जो हलचल उत्पन्न होता है वो क्या होता है, तो गुरुजी वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता है। तो ध्यान में रखेंगे कि पत्थर मारने के बाद पानी में जो हलचल उत्पन्न हो रहा है उसको हम लोग विक्षोभ कहते हैं, इंग्लिश में डिस्टर्बेंस कहते हैं। और यही जो हलचल आगे बढ़ रहा होता है, यानी कि विक्षोभ आगे बढ़ रहा होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग गति कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग गति कहते हैं। तो बड़े ही सरल शब्दों में आप सभी कह सकते हैं कि गुरुजी विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तरंग गति कहलाती है। क्या कहेंगे कि विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया तरंग गति कहलाती है। विक्षोभ क्या है? तो जब हम लोग पानी में पत्थर मारते हैं तो जिस जगह पे पत्थर पड़ता है वहाँ पे हलचल उत्पन्न हो जाती है, और यही हलचल क्या कहलाता है, विक्षोभ या डिस्टर्बेंस कहलाता है। और ये हलचल क्या होता है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो वेव के मोशन को, यानी कि तरंग के गति को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और बड़े ही सरल शब्दों में हम लोग कहते हैं कि विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आप कहेंगे तरंग गति कहलाती है। आप कहेंगे कि चलो सर वेव मोशन तो हमारा क्लियर हो गया, लेकिन एक टर्म आता है आयाम, ये आयाम क्या होता है? तो ध्यान में रखेंगे इसी को हम लोग इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसको आप सरल शब्दों में समझने के लिए आप सभी ने जो पेंडुलम वाला घड़ी होता है उसको जरूर देखा होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो पेंडुलम होता है वो कुछ इस तरह से होता है, और जब ये हिलते डुलते रहता है तो आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि ये कभी इधर जाता है, क्या होता है, कभी इधर जाता है, और ये कभी क्या होता है आपका, तो इधर जाता है। और इसी को आप क्या कहते हैं, तो गुरुजी पेंडुलम जो है वो मूव कर रहा है, यानी कि हिल डोल रहा है। ध्यान में रखेंगे कि जब पेंडुलम बीच में होता है तो इस पोजीशन को मीन पोजीशन बोला जाता है। पेंडुलम जब आपका क्या होता है, बीच में होता है, इस स्थिति को हम लोग मीन पोजीशन यानी कि माध्य स्थिति कहते हैं। और ये माध्य स्थिति से इधर जा करके जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, यानी कि ये जितना ऊंचा उठता है, यही इसका क्या है, तो आप कहेंगे आयाम है। और साथ ही अगर ये इस साइड गया तो सर यहाँ पे ये आया, तो ये यहाँ से लेकर के मीन पोजीशन से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही क्या कहलाएगा, आयाम कहलाएगा। और अगर पेंडुलम आपका इस मीन पोजीशन से इधर जाता है और यहाँ तक आता है और यही इसकी क्या हो, तो सर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये क्या कहलाएगा, हमारा आयाम कहलाएगा। ध्यान में रखेंगे कि जो आपका पेंडुलम यहाँ पे है तो इसको आपने मीन पोजीशन बोला, और ये यहाँ पे आया तो इस पोजीशन को आप क्या बोलेंगे, इस पोजीशन को आप एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पेंडुलम का माध्य स्थिति से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में जो विस्थापन होता है वही क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि दोलन करने वाली वस्तु का अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, आप कहेंगे आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड कहलाता है। और यही सेम डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा भी है। क्या? कि दोलन करने वाली वस्तु का अपने माध्य स्थिति से यानी कि मीन पोजीशन से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाएगा, आप कहेंगे आयाम कहलाएगा। आप कहिएगा गुरुजी हम लोग तो तरंग पढ़ रहे हैं, और अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि जो तरंग है वो या तो अनुप्रस्थ होगा या फिर अनुदैर्ध्य होगा, तो अनुप्रस्थ तरंग शीर्ष और गर्त के रूप में चलेगी। तो जरा सा हमको ये बता दो कि अनुप्रस्थ तरंग में हम लोग आयाम किसको बोलेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला कि आयाम जो है वो दोलन करने वाली वस्तु के द्वारा अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन होता है। तो यहाँ पे जब आपका कोई तरंग अनुप्रस्थ है और वो शीर्ष और गर्त के रूप में चलेगा तो कुछ इस तरह से चलेगा, कुछ इस तरह से चलेगा। तो ध्यान में रखेंगे जो ये पोजीशन होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, मीन पोजीशन। क्या कहेंगे? मीन पोजीशन। अब ये यहाँ से चलना शुरू किया और फिर ये ऐसे आया और फिर ये यहाँ पे आकर के झुक गया, तो गुरुजी मीन पोजीशन से जो ये यहाँ तक आया तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही क्या कहलाएगा, आप कहेंगे सर आयाम कहलाएगा। और ठीक इसी तरह जब ये नीचे आएगा तो फिर से अपने मीन पोजीशन में आ गया, मीन पोजीशन से फिर ये ऐसे गया और यहाँ पे आया, तो फिर से सर यहाँ पे ये मीन पोजीशन में आ जा रहा है, तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप कहेंगे ये वाला पॉइंट, तो ये वाला जगह आपका आयाम और ये वाला जगह क्या कहलाएगा, आयाम कहलाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी आयाम तो हमने समझ लिया, और सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि दोलन करने वाली वस्तु का अपने माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाएगा। लेकिन ये बता दो इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, तो मेरे मित्र मैंने रिप्रेजेंट करा है किससे, ए से। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आयाम को ए से व्यक्त किया जाता है, यानी कि ए से रिप्रेजेंट किया जाता है।
और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे, मैंने यहाँ पे नोट में दूसरा पॉइंट भी लिखा है कि तरंग द्वारा हस्तांतरित ऊर्जा माध्यम के कणों के कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ कि तरंग द्वारा जो हस्तांतरित ऊर्जा होती है वो किसके समानुपाती होती है, तो आप कहेंगे तरंग द्वारा हस्तांतरित ऊर्जा माध्यम के कणों के कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती। आप कहिएगा कि गुरुजी आयाम तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि ये आवृत्ति क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है और आवर्तकाल क्या होता है, आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ पॉइंट को नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आवृत्ति को। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, ऐसे आप सबों को मालूम होगा कि आवृत्ति, आवर्तकाल और तरंग दैर्ध्य क्या होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या होगा, रिकॉल हो जाए। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग आवृत्ति की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो इसी को हम लोग सरल शब्दों में समझने के लिए क्या कहते हैं कि ये जो है ये कणों के कंपन करने का रिपीटेशन है। फ्रीक्वेंसी क्या है, तो सर रिपीटेशन है। इसका मतलब होता है कि कोई कण जो है वो एक निश्चित समय में कितना बार अपनी गति को दोहरा रहा है, यानी कि अपनी गति को वो कितना बार रिपीट कर रहा है। और हम सभी क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि कोई कण एक सेकंड में जितना कंपन करता है वही उसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो सरल शब्दों में आप क्या कहेंगे कि गुरुजी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बार बार या बारंबार। और हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि कोई कण एक सेकंड में अपने कंपन को जितना बार रिपीट करता है, जितना बार दोहराता है, वही क्या कहलाती है, तो उस कण की आवृत्ति कहलाती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अगर आपको ये चीज़ न याद रहे तो आप ये भी कह सकते हैं कि कोई कण एक सेकंड में जितना कंपन करता है वही उसकी क्या कहलाती है, आप कहेंगे आवृत्ति कहलाती है। ध्यान में रखेंगे कि आवृत्ति को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, न्यू पढ़ते हैं। और आप सबों को ध्यान में रखना होगा कि आवृत्ति जो है वो आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। आवृत्ति क्या होता है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। ना हो तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि गुरुजी आवृत्ति इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बटा आवर्तकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन बटा आवर्तकाल हो जाएगा। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि आवृत्ति को हम लोग कहीं कहीं पे अपने पढ़ने के सुविधा के लिए एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आवृत्ति को न्यू या फिर एन से रिप्रेजेंट किया जाए। अब बात किसकी आती है, बात आती है आवर्तकाल की। बड़ा ही सरल शब्दों में ध्यान में रखेंगे कि कोई भी कण अपना एक कंपन जितना देर में पूरा करता है वही उस कण की क्या कहलाती है, आवर्तकाल कहलाती है, यानी कि टाइम पीरियड कहलाती है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है, किसी भी कण के द्वारा एक कंपन को पूरा करने में जितना समय लगेगा वही उसका आवर्तकाल कहलाएगा, यानी कि टाइम पीरियड कहलाएगा। और टाइम पीरियड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपने बोला कि गुरुजी आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है, यानी कि न्यू इक्वल टू वन बटा टी लिखते हैं, तो टी इक्वल टू फार्मूला क्या होगा। तो आप कहेंगे कि गुरुजी जब आप न्यू इक्वल टू वन बटा टी कह रहे हैं, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे न्यू इंटू टी इक्वल टू वन हो जाएगा। और आप क्या कहिएगा कि गुरुजी टी इक्वल टू हो जाएगा वन बटा न्यू, यानी कि आप जब ये कह रहे हैं कि आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी जो आवर्तकाल है वो किसका व्युत्क्रम होता है, आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है। तो आप ये रिलेशन भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही नेक्स्ट आपका है तरंग दैर्ध्य, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेवलेंथ। और हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंगें जितनी दूरी तय करती है उसी को क्या कहा जाता है, तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। क्या कहेंगे कि किसी भी कण का एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है वही तरंग दैर्ध्य कहलाती है, जिसको किससे व्यक्त किया जाता है, लेमडा से व्यक्त किया जाता है। ये जो आपका साइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग लेमडा कहते हैं। क्या कहते हैं, लेमडा कहते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि गुरुजी जो हमारा तरंग है वो तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य है, और अनुप्रस्थ तरंग जो है वो शीर्ष और गर्त के रूप में गमन करती है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंग संपीडन और विरलन के रूप में गमन करती है। तो यहाँ पे हम लोग तरंग दैर्ध्य किसको मानेंगे, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर बात की जाएगी किसकी, अनुप्रस्थ तरंग की, तो ये आपका शीर्ष और गर्त के रूप में कुछ इस तरह से गमन करेगा।
तो अनुप्रस्थ तरंग के सेंस में तरंग दैर्ध्य की जब भी बात करेंगे तो क्या कहेंगे, दो कर्मागत शीर्षों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। जैसे दो कर्मागत शीर्ष कौन हुआ, तो आप कहेंगे कि गुरुजी एक शीर्ष हमारा ये और दूसरा कौन है, तो ये, इस दोनों के बीच की जो दूरी होगी वही क्या होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी तरंग दैर्ध्य होगा। इसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे दो कर्मागत गर्त की, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और इस तरह ले जाएं, तो हम लोग देख रहे हैं कि दो कर्मागत गर्त, एक गर्त ये हो जाएगा और एक गर्त ये हो जाएगा, और इसी दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, आप कहेंगे गुरुजी तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। तो आप सभी सरल शब्दों में कह सकते हैं कि दो कर्मागत शीर्ष या दो कर्मागत गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। आप कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग के बारे में जो तरंग दैर्ध्य होगा वो तो क्लियर हो गया, लेकिन ये बताओ सर कि अनुदैर्ध्य तरंग तो संपीड़न और विरलन के रूप में चलती है। मेरे मित्र बिल्कुल चलती है, ये आपका क्या है संपीड़न वाला एरिया, ये क्या हो जाएगा विरलन वाला एरिया। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि जो दो कर्मागत संपीड़न और दो कर्मागत विरलन के बीच की दूरी होगी वो क्या कहलाएगा, तो अनुदैर्ध्य तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। क्या कहेंगे कि गुरुजी अनुदैर्ध्य तरंग के सेंस में दो कर्मागत संपीड़न और दो कर्मागत विरलन के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, आप कहेंगे तरंग दैर्ध्य कहलाएगा, यानी कि वेवलेंथ कहलाएगा, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहेंगे कि सर आवृत्ति, आवर्तकाल और तरंग दैर्ध्य ये सब क्लियर हो गया, लेकिन ये बताओ कि तरंग का वेग के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सभी प्रकार के तरंग के लिए, क्या कहेंगे कि सभी प्रकार के तरंग के लिए तरंग का वेग v जो है वो किसके गुणनफल के बराबर होता है। तो आप सभी याद रखना कि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आप सभी हमेशा इसको अपने माइंड में रखेंगे कि तरंग का जो वेग होता है वो किसके बराबर होता है, तो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होता है। या आप ये भी कह सकते हो कि गुरुजी वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा। न्यू क्या है, तो सर आवृत्ति को बताएगा और लेमडा किसको बताएगा, तरंग दैर्ध्य को बताएगा। मेरे मित्र आपके इसी पॉइंट के साथ जो वेव मोशन का टॉपिक था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और अब आपका अगला टॉपिक क्या है, तो अब अगला टॉपिक है साउंड, जिसकी चर्चा हम लोग इसके अगले क्लास में करेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जो भी कंसेप्ट थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे, और मेरे ख्याल से अब आपको इतना सभी कंसेप्ट से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।